हेलो गाइज, मैं हूँ राहुल और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं अपने गाड़ी में लगे हुए इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये सोनी का XAV AX5000 मॉडल है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बटन्स आपको मिल जाते हैं। तो पहले शुरू करते हैं ट्यूनर से। तो ट्यूनर में बेसिकली आप अपना FM सेट कर सकते हैं। इसमें अराउंड 18 चैनल्स आप सेव कर सकते हैं FM के, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इतने दिए हुए हैं, इसमें आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्लस माइनस का बटन यहाँ पे मिल जाता है। आपको ब्लूटूथ मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कितना सिंपल है। ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद आप अपने फ़ोन से म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा यूज़फुल चीज़ें पहले बता देता हूँ। तो जैसे इसमें देख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो गाइडिंग लाइंस आपको रिवर्स कैमरा की मिलती हैं वो काफ़ी ऊपर होती हैं, जो कि नीचे होनी चाहिए। तो एक बार मैं इसको दिखाता हूँ कैसे इसको रीसेट आप अपनी तरह से सेट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस में जाके आपको रिवर्स कैमरा में जाके गाइडलाइंस एडजस्ट करनी है। ये काफ़ी सिंपल है। तो अभी अगर हम रिवर्स कैमरा अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। आप गाइडिंग लाइंस ऑफ भी कर सकते हैं, इसके लिए ऊपर राइट हैंड साइड में जो बटन है इसको प्रेस करना है। इसके अलावा आपको काफ़ी सेटिंग्स मिल जाती हैं। इसमें आप डेट चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा आपको एक बीप का ऑप्शन मिलता है। अगर आप उसको यस करेंगे तो ऑन करेंगे तो हमेशा ये बीप की आवाज़ सुनाई देगी। यूजुअली मैं इसको बंद रखता हूँ। यहाँ पे आप स्टेयरिंग कंट्रोल के कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा साउंड में आपको एक्स्ट्रा बास का ऑप्शन मिल जाता है, बैलेंस फेडर इसका ऑप्शन मिल जाता है, जो साउंड ओरिजिनेट कहाँ से होता है ऐसा आपको फील होगा। तो मैं इसको यूजुअली सेंटर में रखता हूँ। यहाँ पे आपको हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर की सेटिंग मिल जाती है। इसके अलावा विजुअल्स में आपको वॉलपेपर और डिमर का ऑप्शन मिल जाता है। डिमर में मैंने ऑटो रखा हुआ है इसको, और आप इसके वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं। वॉलपेपर्स के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ब्लूटूथ हम देख चुके हैं कैसे उसको कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं USB केबल्स के। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। इसका जो सबसे ड्रॉबैक मेरे को लगता है वो ये होता है कि आपको ग्लव बॉक्स में ये केबल मिलती हैं, तो इसको यूज़ करने के लिए आपको ग्लव बॉक्स खोलना ही पड़ेगा। इसमें दो केबल होती हैं, ये जो वाइट कलर की है आप इससे सिर्फ म्यूज़िक सुन सकते हैं, और जो दूसरी जो है वो ब्लू कलर की है, इससे आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं और वीडियोस अगर कुछ देखने हैं तो आप इससे देख सकते हैं। तो कार प्ले मैं एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये एप्पल का कार प्ले है। एज अ सेम ये आपका एंड्रॉयड ऑटो करके एप्लीकेशन आती है, दोनों सिमिलर काम करते हैं। इसमें अगर आपको जो ऐप्स अगर रीऑर्गेनाइज करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं।
कारप्ले में आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि स्मार्ट फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे गूगल मैप, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है म्यूज़िक की तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, मैसेजेस यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपने फ़ोन की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर आप सेटिंग को ओपन करेंगे तो इसमें काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब वाइल ड्राइविंग, ऐसे काफ़ी फंक्शंस होते हैं इसमें। मैंने मेरे पास अमेज़न म्यूज़िक है तो इसको मैं यूज़ करता हूँ, तो इसका यूज़ भी काफ़ी सिंपल है। इसके अलावा आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं स्टेयरिंग व्हील में, मेरा VXI मॉडल है तो इसमें आपको ऑडियो कंट्रोल करने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसमें। इसमें आप कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आप अपने कॉन्टैक्ट्स इसमें कर देख सकते हैं, आप इससे कीपैड भी मिल जाता है, वो डायल कर सकते हैं। इसमें आपको साथ में एक माइक भी मिलता है जो कि आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे लगा हुआ है ये। तो कुछ इस तरह से आपको माइक ऊपर दिखेगा जो कि इंस्टॉलेशन के टाइम में लगाया जाता है। इसमें आप गूगल मैप्स भी ओपन कर सकते हैं, या तो आप इसको फ़ोन से कनेक्ट करके फ़ोन से यूज़ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे डेस्टिनेशन अपना टाइप कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी टू यूज़ है ये, इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरे को कैमरा के साथ अराउंड 33,000 का पड़ा था, तो डेफ़िनेटली आप इसके लिए डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप मारुति जनरल एक्सेसरीज से ले रहे हैं, नहीं तो आप इसको बाहर से भी इंस्टॉल करा सकते हैं। तो गूगल मैप कुछ इस तरह से दिखता है, आप इसमें इसको म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, अगर आपको जूम करना है तो आप जूम भी कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट राउट्स सर्च करने हैं तो अब यहाँ पे मोर राउट्स करके आपको मिल जाएगा, आप इससे देख सकते हैं। तो मैसेजेस कुछ इस तरह से दिखते हैं। आप WhatsApp भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें फ़ोन में आपको परमिशन देनी पड़ेगी।
I'll need to access your WhatsApp data to do this. No problem. I won't. आई होप वीडियो हेल्पफुल था. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगली बार.